फ्रेंड्स, माय नेम इज एमंजन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में जिसे कोटक म्यूचुअल फंड ने ख़रीदा है, और ये काफ़ी अच्छा फाइनेंस बैंक है। पहले खाली फाइनेंस ही करता था और इन्हें अब लाइसेंस भी मिला है, बैंकिंग लाइसेंस। और इसका हाल ही में IPO आया है, एक साल भी पूरा नहीं हुआ है, लगभग अगस्त सितंबर में आया था। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो कंपनी है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, पहले ये फाइनेंस ज़्यादा करती थी और इनका जो टर्नओवर है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। और लगभग ये जयपुर राजस्थान की कंपनी है, और ये जो प्रोडक्ट्स इनके हैं मॉर्गेज लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, टू व्हीलर, फोर व्हीलर लोन, ये सारे SME लोन, ये सारी चीज़ें करती हैं। और इनका जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो दूसरे बैंक से थोड़ा हाई रहता है, 1-2% ज़्यादा ही रहता है। तो इसीलिए इनका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ते आएगा आगे आने वाले समय में। और ये जो कंपनी है मॉर्गेज पे लोन जल्दी अप्रूव करती है, ये देखा है मैंने। और इसका जो ग्रोथ रहने वाला है आने वाले समय में काफ़ी अच्छा रह सकता है। लॉन्ग टर्म का अगर आपका नज़रिया है तो इस स्टॉक को भी इस रेट पे नहीं, इससे थोड़ा अगर नीचे आता है, लगभग 550 के करीब, 600 के नीचे, तो वो एक अच्छा लेवल रह सकता है लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखकर। और इन्हें RBI से बैंकिंग लाइसेंस भी मिला है, तो काफ़ी सारी जगह इन्होंने बैंक्स भी खोल के रखे हैं ताकि कस्टमर को सर्विस दे सकें। अकाउंट भी आप खोलना चाहें तो खोल सकते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट इस बैंक के अंदर। तो इससे इस कंपनी को काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो रहा है, और ये ऑल ओवर इंडिया में ग्रो कर रही है। काफ़ी सारे इन्होंने शाखा खोल रखे हैं, ब्रांचेस खोल रखे हैं। तो लॉन्ग टर्म का अगर आपका नज़रिया है तो ये बेस्ट स्टॉक है स्मॉल फाइनेंस बैंक, और फाइनेंस की कंपनी है। इन्हें काफ़ी अच्छा मीन्स लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हो सकता है। आपने बजाज फाइनेंस देखा ही होगा कैसा उन्होंने परफॉर्म किया है, तो ये भी एक जो कंपनी है काफ़ी अच्छा लॉन्ग टर्म के नज़रिए से अगर आप लेते हैं तो ग्रो कर सकती है। तो इसका अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो 18,000 करोड़ के करीब है, 10 रुपये का फेस वैल्यू है, और हाल ही में 5% का इन्होंने डिविडेंड भी दिया है। इसके जो फाइनेंशियल्स है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको भी आइडिया आ सके इस कंपनी के बारे में। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ बल्क डील्स जहाँ पे कोटक म्यूचुअल फंड ने स्टॉक को ख़रीदा है। तो आप देख सकते हैं मार्च क्वार्टर में 531 करोड़ का सेल्स का टर्नओवर था, पहले 464 का था, और अदर इनकम 134। अदर इनकम में अगर आप मान लीजिए स्टैम्प ड्यूटी वगैरह ये लेते हैं और चेक बाउंसिंग चार्जेस, ये सारी चीज़ें मिला के अदर इनकम में आ जाती है। और इनका जो एक्सपेंस है 296 करोड़ का है। तो इनका अगर आप प्रॉफिट देखेंगे टैक्स वगैरह काट कर काफ़ी अच्छा है, 124.90 नेट प्रॉफिट है टोटल टैक्स काट के, 83.04, पहले 78.92। मींस धीरे धीरे ये कंपनी भी ग्रो कर रही है, और नया IPO है अच्छे लेवल पे, अगर आपको मिलता है 600 के नीचे तो थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इस कंपनी पे भी भरोसा कर सकते हो क्योंकि अच्छी कंपनी है, इसकी वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हो। और अर्निंग पर शेयर इसका देखिए 2.91 अभी है, पहले 2.76 का था। तो EPS भी धीरे धीरे बढ़ेगा आने वाले समय में, जितना फाइनेंस ये करेगी उससे ज़्यादा रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं 13 जुलाई 2018 AU स्मॉल फाइनेंस बैंक इस कंपनी को ख़रीदा है कोटक म्यूचुअल फंड अकाउंट स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड ने, लगभग बाय किया है 36,50,000 शेयर 6.30 के रेट पर। तो आप भी इस स्टॉक में हाथ डाल सकते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है कोटक, उन्होंने ख़रीदा है। तो आप भी देख सकते हैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। तो मेरा यही मानना है कि आप अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करिए ताकि आपको लॉस ना हो, प्रॉफिट ही हो लॉन्ग टर्म के नज़रिए से। तो आज इसी के बारे में बताना था, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहें। चलिए, थैंक यू।